अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैम। आप सुनाएं, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वेट कर रही थी कि मैक्सिमम लोग आ जाएं। आप लोगों का अगर कोई तब तक क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। लास्ट लेक्चर पढ़ा था? ऐसे क्वेश्चंस पे क्यों साइलेंट रहते हो सब लोग? ये अभी तक जी जी आंखें मैम, नहीं अभी खुली। स्टडी स्टार्ट नहीं किया ना लेक्चर से, बस लेक्चर ही ले लेते हैं। तो वो कब शुरू करनी है? 6 लेक्चर्स हो गए आज हमारे। बस यही वीक है, इस वीक के बाद आराम से ही कर लेंगे। मतलब जितने आराम से तुम लोग करते हो ना, फिर वो मुझे पता है कि जितना आराम करते हो तुम लोग और बाद में कितने आराम पसंद हो गए। नो नो मैम, इंशाल्लाह अच्छी होगी तैयारी, देख लीजिएगा, आपको मायूस नहीं करेंगे। देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। मैम, आपने एक असाइनमेंट का जिक्र किया था लास्ट लेक्चर में। असाइनमेंट मैंने अभी इसीलिए ऐड नहीं की थी क्योंकि वैसे ही रमजान का लास्ट अशरा है। सब जो है अगर कोई इतकाफ पे है या कुछ और या कोई अपनी उसमें इबादत में है तो उसमें मैं इसलिए इस 10 डेज में जो है कोई भी असाइनमेंट नहीं रखी। तो नेक्स्ट रमजान के बाद, ईद के बाद, अब आप लोग आते हो तो आप लोगों का क्विज रखूंगी मैं। ये जो आज हम 6 लेक्चर ऐड करके जो है ये आप लोगों का क्विज होगा आफ्टर ईद। एक्सक्यूज मी मैम। अच्छा, हाँ जी मैम वो LMS वाला मसला सॉल्व नहीं हुआ, मुझे अभी भी LMS पे सेक्शन B शो हो रहा है जबकि पोर्टल पे मेरा ठीक है। पोर्टल पे क्या है? सेक्शन सी आप लोग ना जिन सेम जिन का मैम, मेरा भी यही अच्छा है। मेरा भी कुछ बचे पोर्टल, मेरा उसमें LMS भी पे B है और पोर्टल पे C है। मैम, ठीक है, आपने कहा था इशू आप रिजॉल्व हो जाएगा लेकिन अभी तक नहीं हुआ। वो आप लोग जो है ना जिन जिन के इशू आ रहा है ठीक है वो मुझे ना आज ईमेल करें कि वो फिर इस इसीलिए मैम इशू मेरी के दो साथ तीन क्लास ठीक मिस है हो गई थी क्योंकि मुझे लिंक ही नहीं मिलता था। यस क्योंकि वो LMS पे है ना सारे लिंक्स आपके। मैम, इसलिए इस वजह से आप लोग ना जिन जिन का मसला है आप लोगों के सेक्शन में ठीक है जो सेक्शन सी में है लेकिन उनको कोई और शो हो रहा है तो वो अपना जो है आज मुझे ईमेल कर दें। कोई भी अगर किसी और में है और पोर्टल पे जो है आपका वो मुझे एग्जैक्ट बताना ठीक है। तो आज आप लोग मुझे ईमेल कर देना ताकि आप लोगों का इशू, मैंने वैसे स्टेट्स वालों को भी बताया था कि आप लोगों की लिस्ट अपडेट कर दें बट आई थिंक सो उन्होंने अभी तक नहीं की। तो आप मुझ लोग मुझे ईमेल कर देना, मैं मैन्युअली उसमें आपकी जो है लिस्ट अपडेट कर दूंगी ठीक है। तो जिन जिन का इशू है मुझे आज ईमेल कर दे। ठीक है मैम। और बाकी आप लोगों का ग्रुप तो होगा व्हाट्सएप ग्रुप जो स्टूडेंट्स का होता है, बनाया हुआ है आपने अपने सेक्शन का या नहीं? मैंने आपसे यही क्वेश्चन करना था क्योंकि मैंने काफी ग्रुप्स में बना मैसेज हुआ भी है किया था पर कुडेंट फाइंड सेक्शन सी का व्हाट्सएप असेंडेड। ग्रुप। अगर किसी के पास है तो काइंडली चैट में लिंक भेज दो ताकि हम ज्वाइन कर लें, अगर बना है तो। हाँ जी बना हुआ है मैम जी, अभी अभी बनाना है। पक्का अगर नहीं बनाया हुआ मैम तो बना हुआ कोई है। एक, अच्छा बना हुआ है तो आप लोग जो है ये बाकी बच्चों को जो है उसमें ऐड करो अपने सेक्शन के बच्चों को ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर किसी की मिस हो जाती है तो वो उसको ग्रुप से मिल जाती है। तो आप लोग एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप और अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को उसमें ऐड करो ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो।
तो मैक्सिमम लोग आ गए, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, फिर उसको कवर होने में। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हेलो, यस मैम। कि आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, इट्स अबाउट द रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। रेप्लिकेशन क्या होती है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए डिवाइड हो जाता है बस, उसी कॉपी तरह की ऑफ। मतलब बनना, रेप्लिकेट करना डीएनए। मैम डीएनए का, मैम कॉपीज डीएनए होती का है जो मैम, कॉपीज सीक्वेंस बनना होता है डीएनए की। अमाइनो एसिड्स का, वो एक आरएनए के स्ट्रैंड के ऊपर कॉपी किया जाता है टू मेक एन अनदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। इट्स डीएनए फॉर्मेशन, वो हमने क्या पढ़ा था, इट्स दैट इज ट्रांसक्रिप्शन जो आप बात कर रहे हैं। डीएनए से जो आरएनए फॉर्मेशन होती है ना, वो क्या प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन। हम क्या बात कर रहे हैं, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए फॉर्मेशन बेसिकली, ठीक है। ये पेरेंट यस स्ट्रैंड से डीएनए से डीएनए मैम, बनता दो है, नॉट आरएनए। अरेटिक पेरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड जो एज ए टेम्पलेट दिया जाता है, उसके ऑपोजिट जो स्ट्रैंड है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। तो जब, और इस तरह से जो है वो आगे इनहेरिटेंस में जो है डीएनए वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन का, इसको जो है डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। और ये दोनों प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में भी हो रहा है, यूकैरियोट्स में भी हो रहा है। तो हम उसमें जो है देखते हैं ये दोनों के प्रोकैरियोट्स में कैसे है और यूकैरियोट्स में कैसे है। तो थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं कि डीएनए, ये आप लोगों को पता है डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर एंड दिस इज मॉडल इज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। ये वही डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है कि उसमें जो है हमारे पास शुगर बैकबोन होती है, उसके साथ जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ अटैच होते हैं, और इसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। इसके प्रॉपर डायरेक्शन है, न्यूक्लियोटाइड जो है इन डीएनए बैकबोन आर बॉन्डिंग टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल हैज डायरेक्शन, कैसी डायरेक्शन के मतलब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है मूव कर रहे होते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एक 5 to 3 एंड पे मूव कर रहा होता है और एक 3 to 5 एंड पे मूव कर रहा होता है, और ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है दूसरे से जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स के थ्रू जो है अटैच होती है। जो डीएनए के मेन 3 कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर बेस नाइट्रोजनस बेस, उसमें 4 डिफरेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप जो इसके साथ अटैच होता है। बेसिस के बारे में आप लोगों को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि उसमें 4 बेसिस होती हैं, उसको आगे हम प्यूरीन्स और पाइरिमिडीन्स में कन्वर्ट जो डिवाइड करते हैं। पाइरिमिडीन्स जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है और इसमें थायमिन और साइटोसिन आती है, जबकि प्यूरीन्स जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है और इसमें एडिनिन एंड गुआनिन ऐड होती है। न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जो है आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ पेंटोज शुगर फॉस्फेट एंड वन ऑफ द 4 बेसिस, ठीक है। तो जब ये तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से अटैच होते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेसिक यूनिट है डीएनए के स्ट्रक्चर का।
फिर ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं बाय द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और पूरा स्ट्रैंड बनाते हैं। ये वही है कि न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं बाय द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। सो मूव टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या है? इट्स द बेसिस फॉर इनहेरिटेंस, क्योंकि डीएनए से जो है वो डीएनए मूव होगा फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जीन्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफर होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो इट्स अ बेसिस फॉर इनहेरिटेंस। इट्स अ फंडामेंटल प्रोसेस अकरिंग इन ऑल सेल्स फॉर कॉपिंग डीएनए टू ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू डॉटर सेल्स। ईच सेल मस्ट रेप्लिकेट इट्स डीएनए बिफोर डिविजन। डीएनए रेप्लिकेशन का जो मॉडल है इट्स अ सेमी कंजर्वेटिव टाइप। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है कि उसपे दोनों चीजें ऐड होती हैं, एक पुरानी ऐड होती है एक न्यू वाली जो है वो ऐड होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक एक पेरेंटल स्ट्रैंड ऐड होता है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड जो है एज ए टेम्पलेट ऐड करता है और उसके साथ एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड ऐड किया जाता है और इस तरह से हमारे पास न्यू जो है डीएनए बनता है और वो डीएनए जो है वो आगे ऑफस्प्रिंग में जाता है। तो इस तरह से उसमें दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स हो रहे हैं, एक ओल्ड स्ट्रैंड फ्रॉम द पेरेंट डीएनए और एक न्यू स्ट्रैंड जो कि आगे जो है वो जाएगा इनटू द ऑफस्प्रिंग। तो इस तरह से इसका जो मॉडल है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। टोटली ना तो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव क्या होता है कि अगर कंप्लीट पेरेंटल डीएनए ट्रांसफर होता है तो उसको हम कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं, या अगर वो कंप्लीट न्यू स्ट्रैंड होता तो वो फिर इनहेरिटेंस का कोई रोल नहीं आना था, क्योंकि न्यू स्ट्रैंड मतलब उसमें सारी की सारी न्यू करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये जो मॉडल है वो सेमी कंजर्वेटिव है। तो उसमें जो है एक स्ट्रैंड जो है हाफ जो है वो पेरेंटल होता है और हाफ जो है न्यू डीएनए बनते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में दो स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, एक लीडिंग स्ट्रैंड के तौर पर एक्ट करता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड के तौर पर एक्ट करता है। लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में डिफरेंस पता है क्या होता है? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, क्या होते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड? जिसमें ना रेप्लिकेशन होती है अवे फ्रॉम द वो मैम लैगिंग स्ट्रैंड में फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं ओकल लगे फ्रेगमेंट्स, और लीडिंग में जो है ना 3 to 5 एंड जो है ना कंटिन्यूस होती है मतलब विदाउट एनी गैप। ठीक है, मतलब वही लीडिंग स्ट्रैंड मैम लीडिंग में स्ट्रैंड होता है वो साइड होती है और लैगिंग में ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है एप्लीकेशन। लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कंटीन्यूअस स्ट्रैंड होता है, उसमें कोई फ्रैगमेंट्स नहीं होते, ठीक है, कंप्लीट उसकी रेप्लिकेशन हो रही होती है। लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है, लैगिंग स्ट्रैंड जो है उसमें डिफरेंट फ्रैगमेंट्स अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो अटैच होते हैं। सो उन फ्रैगमेंट्स को ऑपोजिट फ्रैगमेंट्स कहा जाते हैं और बेसिकली ये साइंटिस्ट के नेम पे ओकाज़की साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया कि एक इसका लैगिंग स्ट्रैंड होता है जिसमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिले होते हैं एक दूसरे के साथ बाय द एंजाइम, ठीक है, लाइगेजेस एंजाइम के थ्रू। टू स्ट्रैंड को जो है हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ये जैसे पिक्चर में शो किया गया, ठीक है, ब्लू वाला जो है वो पेरेंटल डीएनए को शो कर रहा है और रेड वाला जो है वो न्यू डीएनए को शो कर रहा है। तो एक इसका लीडिंग स्ट्रैंड है जो कंटिन्यूस है और दूसरी साइड पे डिफरेंट फ्रेगमेंट्स अटैच हैं और इसके अंदर ग्रीन और जो येलो है वो लाइगेज येलो जो है लाइगेज एंजाइम के तौर पर एक्ट करता है जो इन फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से अटैच रखेगा। तो ये दो डिफरेंट स्ट्रैंड होते हैं डीएनए। एनर्जी ऑफ रेप्लिकेशन जो है कि वो कहाँ से आती है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो है रेप्लिकेट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इसकी जो न्यूक्लियोटाइड्स आती हैं जो बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं उसके साथ 3-फॉस्फेट अटैच होते हैं, ठीक है, वो अपनी एनर्जी खुद लेके आते हैं। वो 3-फॉस्फेट जब उनको रेप्लिकेशन की जरूरत होती है, ठीक है, तो वो एक फॉस्फेट ग्रुप को जो है रिलीज कर देते हैं और वहां से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी जो है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यूज हो जाती है।
सेकेंड उसके लिए क्या चाहिए होता है, प्राइमर चाहिए होता है फॉर द स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. प्राइमर क्या होता है आप लोग बताओ. मैं वो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है, ऑलमोस्ट 9 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके प्राइमर बनता है, जो कि डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प करता है टू रिकॉग्नाइज द टेम्पलेट, यानी कि कहाँ से उसने जो है ना वो स्टार्ट करनी है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना स्टार्ट करना, उसको मतलब गाइड करता है डीएनए पॉलीमरेज को, वो प्राइमर होता है. ठीक है, हाँ जी बिल्कुल. प्राइमर जो है कुछ न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस ऑफ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड किया जाता है और ये एज ए स्टार्टर पॉइंट एक्ट करता है. ठीक है, डीएनए जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज थ्री एंजाइम है ना जो पॉलीमराइजेशन कर रहा है, वो तभी जो है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स किसी जगह पे ऐड करेगा जब उसे पहले वहां पे स्टार्ट पॉइंट मिलेगा. तो ये जो प्राइमर है ये एज ए स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ऐड करते हैं और फिर डीएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच होकर प्राइमर के साथ, तो इसमें जो है न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है ऐड करता जाता है. ठीक है, और एट द एंड जो है ये प्राइमर जो है रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द डीएनए. तो ये एज ए स्टार्टिंग पॉइंट एक्ट करता है फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन. प्राइमर जो है सिंथेसाइज्ड बाय प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज एंजाइम के थ्रू, सर्व एज ए स्टार्टर सीक्वेंस फॉर डीएनए पॉलीमरेज थ्री. ओनली वन आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड फॉर द लीडिंग स्ट्रैंड, और लैगिंग स्ट्रैंड के लिए जो है हर फ्रेगमेंट के लिए एक प्राइमर चाहिए होता है. ठीक है, हमने लैगिंग स्ट्रैंड के लिए क्या पढ़ा था, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है कंटिन्यूस होता है, इसलिए उसमें एक ही प्राइमर चाहिए होता है, और लैगिंग स्ट्रैंड में जितने फ्रेगमेंट्स होंगे हर फ्रेगमेंट का एक जो है वो प्राइमर यूज होगा. ये जो प्राइमर होता है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फ्री होता है थ्री कार्बन पे, तो वहां पे जो है न्यूक्लियोटाइड्स फिर ऐड होना शुरू हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के कौन कौन से हैं. सो फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. जिस साइट पे रेप्लिकेशन होनी है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, तो उस पॉइंट की जो आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट अनवाइंडिंग, जो साइट आइडेंटिफाई हुई है जहाँ पे रेप्लिकेशन होगी वहां पे डबल स्ट्रैंड जो है डीएनए को अनवाउंड कर दिया जाता है. ठीक है, और वहां पे वो सिंगल स्ट्रैंड में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, वहां पे आके एंजाइम्स अटैच होते हैं, प्राइमर अटैच होता है. उसके बाद इनिशिएशन जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू हो जाते हैं और इलॉन्गेट कर देता है स्ट्रक्चर को. उसके बाद जो प्राइमर जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो प्राइमर रिमूवल होता है, उसके बाद प्रूफ रीडिंग होती है और फाइनल जो है हमारे पास रिकंस्टिट्यूशन ऑफ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर जो है वो हो जाता है. सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. इसके अलावा जो कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, बेसिकली डिफरेंट एंजाइम्स जो हमें चाहिए वो कौन कौन से हैं. So, the most important one, DNA polymerase enzyme. ये क्या करेगा, पोलीमराइजेशन करेगा. हेलिकेज एंजाइम चाहिए होता है, ये जो है डीएनए को अनवाउंड करेगा, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेगा. टोपोआइसोमेरेज जो है, टोपोआइसोमेरेज बेसिकली जो है वो जो इसमें अनवाउंडिंग करने में जो है वो हेल्प करता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनकी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. RNA primase जो है वो initiate synthesis of its RNA primer. Primer को जो है वो synthesize करेगा और attach करेगा. उसके बाद कुछ single stranded binding proteins होती हैं, short binding proteins भी इनको कहते हैं. वो जो है जब DNA single strand में convert होता है उसकी unwinding होती है at the point of region of replication पे, तो वहाँ पे जो है उसके साथ फिर कुछ single stranded proteins attach हो जाती हैं, तो वो बेसिकली हेल्प करती होती है ताकि जो डबल स्ट्रैंड अब सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ है उसकी ब्रेकडाउन ना हो, उसको स्टेबल बनाती है. तो उसके साथ सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स अटैच होती हैं. इसके बाद डीएनए लाइगेज एंजाइम. डीएनए लाइगेज एंजाइम कहाँ पे होता है, लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर. ठीक है, जिसमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो है वो अटैच होते हैं और वो फ्रेगमेंट्स एक दूसरे से जो है वो डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू जो है अटैच होती है. So these are the different enzymes that are required for the DNA replication. So now the first one is the DNA replication in prokaryotes. आप लोगों को prokaryotes और eukaryotes का पता ही होगा कि prokaryotes जो है simpler organisms होते हैं. ठीक है, हमने last में भी जो है ये discuss किया था.
तो क्योंकि ये सिंपलर ऑर्गेनिज्म है इसलिए इनमें जो है और यूकेरियोट्स में रेप्लिकेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है, और दो जो इनके स्टेप्स हैं वो सारे सेम है लेकिन इनका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। सो फर्स्ट स्टेप हमने क्या कहा था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें जो है हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑलमोस्ट ये 245 बेस पर लॉन्ग होता है, ठीक है। और इसमें कुछ जो है वो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ई कोलाई को एग्जाम्पल दिया गया है, इस्ट्रेशिया कोलाई ये एक बैक्टीरिया है और ये एक एक्सपेरिमेंटल इसमें ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं क्योंकि इसका जो जीनोम है वो कम्प्लीटली रीड आउट कर लिया गया है, तो इसको एज ए एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है। तो फर्स्ट वन हमने क्या कहा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनेगा, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जो है कुछ सीक्वेंस रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस इकोलाई जो सेक्शन शो हो रहा है इसमें 4 9 बेस पेयर्स रिपीट होंगे, ठीक है। 9 बेस पेयर्स के 4 जो है वो रिपीटेड सीक्वेंस होंगे, और ये जो है इनकी ओरिएंटेशन स्पेसिंग और सीक्वेंस जो है 9 बेस पेयर्स की ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा और रिपीट्स कौन सी हैं, 313 बेस पेयर रिपीट जो है और इसमें ऐड होती है, और इसकी जो है इसमें भी जो है इसकी प्रेजेंस क्रूशियल होती है फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। इनिशिएशन, इनिशिएशन क्या होगा कि जब वो ओआरआईसी जो है या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आइडेंटिफाई हो जाएगा तो वहां पे जो है फिर उसके साथ डिफरेंट एंजाइम जो आके अटैच होना शुरू हो जाएंगे, वहां पे जो है इसको अनरैप करेंगे, ठीक है। जहाँ पे एटी रीजन ज्यादा है वहां उसकी जो है ब्रेक डाउन होगी। एटी रीजन ही क्यों ब्रेक डाउन किए जाते हैं, नॉट वो सीक्वेंस कम ब्रेक किया जाता है जहाँ पे जी कंटेंट ज्यादा हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, एटी रिच रीजन क्यों यूज किए जाते हैं? हाँ जी बच्चों, मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। मैम कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा। किसी को भी याद नहीं है? आप लोगों की क्लास में सेक्शन सी में ऑलमोस्ट 128 स्टूडेंट्स हैं और किसी को एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। बेटा एटी रीजन इसलिए वो रीजन ज्यादा यूज किए जाते हैं जहाँ पे एटी सीक्वेंस ज्यादा हो, क्योंकि एडिनिन और थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एज कम्पेयर टू गवानिन और साइटोसिन उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो इसलिए इनकी बॉन्डिंग तोड़ना जो है ज्यादा इजी होती है एज कम्पेयर टू जी सी कॉन्टेंट के। तो इसलिए वहां पे जो है रीजन ऑफ रेप्लिकेशन बनाया जाता है जहाँ पे एटी कॉन्टेंट ज्यादा हो, ठीक है। अब समझ लग गई? यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से जब इनिशिएशन हो जाएगी तो वहां पे फिर इसको इलॉन्गेशन होना शुरू हो जाएगी, डीएनए पॉलीमरेज थ्री जो है वो ऐड हो जाएगा प्राइमर के साथ और वहां पे जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द अल्फा फॉस्फेट रिलीजेस पाइरोफॉस्फेट, ठीक है। मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप जो है उसका उसकी ब्रेक डाउन होती है और वहां पे एनर्जी रिलीज होती है जो यूज की जाती है फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। जो है इस तरह से जो है सबसिक्वेंटली हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 फॉस्फेट्स, फॉस्फेट्स जो है उनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है और ये हाइड्रोलिसिस जो है ये कंप्लीट करती है, कंप्लीट करने में हेल्प करती है डीएनए रेप्लिकेशन की या डीएनए सिंथेसिस की। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोलिसिस से, फॉस्फेट हाइड्रोलिसिस से एनर्जी रिलीज होगी और वो डीएनए रेप्लिकेशन में जो है यूज होगी। ये दिखाया गया है कि फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें जो है पॉइंट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पहले बना, ठीक है, इसको रेप्लिकेशन बबल भी कहते हैं। फिर वहां पर जो है वहां उस पर प्राइमर एड हुआ और वो इसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है, ऑरेंज वाला जो शो कर रहा है ये न्यू स्ट्रैंड बन रहा है।
ठीक है, दोनों साइड से जो उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जब ये कंप्लीट रेप्लिकेशन हो जाती है तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच हुए होते हैं सर्किल के थ्रू। इसको जो है हम कैटिनेंस कहते हैं, ठीक है, और ये सर्कल के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो ये फिर इनको अलहदा किया जाता है, सेपरेट किया जाता है बाय द एंजाइम टोपोआइसोमेरेज 4, ठीक है, वो एक में जो है होल करेगा और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो उससे बाहर निकल आएगा और फिर इस तरह से ये दो जो है उसमें डिवाइड हो जाते हैं डॉटर सेल्स में। तो इस तरह से ये टर्मिनेशन पॉइंट होगा कि वो उसमें इसको सेपरेट किया जाता है। Now the DNA replication in eukaryotes. Eukaryotes में भी वही step है, बस थोड़ी जो है complex जो है उसके साथ है, complexity के साथ है। First major step for the DNA replication to take place is the breaking of hydrogen bonds between bases of the two antiparallel strands. ठीक है, के origin of replication को identify करना। हाँ जी, जो आइडेंटिफिकेशन या रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनता है उसको रेप्लिकेशन बबल्स भी कहते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन अकर्स इन बोथ डायरेक्शंस अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए एंड बोथ स्ट्रैंड्स आर रेप्लिकेटेड साइमल्टेनियसली। दिस रेप्लिकेशन प्रोसेस जनरेट्स रेप्लिकेशन बबल्स इन द स्ट्रैंड। ठीक है, ये जो बबल टाइप बने हुए हैं ये सारे जो है रेप्लिकेशन जो है बबल इनको कहा जाता है, या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी आप कह सकते हैं। और इसके दोनों स्ट्रैंड की जो है वो फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। एक्सक्यूज मी मैम, ये रेप्लिकेशन बबल कैसे बनता है एक दफा बता दें। बेटा इसमें जो है वो ये जो हमने बात किया कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है, वो रीजन जहाँ पे एटी कॉन्टेंट ज्यादा है उनको एज ए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूज किया जाता है। और फिर वहां पे जो है उसके जो स्ट्रैंड्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होती है ना दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से, yes, तो वो बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक डाउन होती है। जब वो ब्रेक डाउन होगी तो डबल स्ट्रैंड जो वहां पे खुल जाएगा, अनबाउंड हो जाएगा और वहां से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से बबल फॉर्म जो है शेप आएगी। ठीक है, वहां पे जो जो जितने बबल्स यूकेरियोट्स में ये बबल्स जो है वो मल्टीपल बबल्स बन जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, क्योंकि वो सिंपलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए इनमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन बबल्स जो है वो बहुत ज्यादा बनते हैं। ओके मैम, उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे दोनों स्ट्रैंड्स पे जो है फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। दैट इज द सेम थिंग। ठीक है, दीज आर द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन बबल्स और इसमें जो है स्ट्रैंड में थ्रू आउट द लेंथ जो है रेप्लिकेशन बबल्स जो है बनते हैं और दोनों फिर रेप्लिकेशन बबल पे जो है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। ये जो अनवाउंडिंग होती है, अनवाउंडिंग ऑफ द टू स्ट्रैंड्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, द स्प्लिटिंग हैपेंस इन प्लेसेस ऑफ द चेन्स व्हिच आर रिच इन एडेनिन एंड थायमिन। दिस इज बिकॉज़ देयर आर ओनली टू बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन। हेलिकेज एंजाइम जो है, हेलिकेज एंजाइम बेसिकली अनवाउंड करता है डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में। ठीक है, और रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने में हेल्प करता है। हेलिकेज इज द एंजाइम दैट स्प्लिट्स द टू स्ट्रैंड्स, द स्ट्रक्चर दैट इज क्रिएटेड इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन बबल, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दीज आर द सेम थिंग्स। इन ऑर्डर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन टू बिगिन, द डबल स्ट्रैंड डीएनए हेलिक्स मस्ट फर्स्ट बी ओपनड। The sites where the process first occurs are called replication origins. Helicase unwound the two single strands. ठीक है, ये double strand को दिखाया गया। ठीक है, और फिर helicase enzyme act करेगा और वो इसमें दो जो है hydrogen bonds को तोड़ेगा और इस तरह से इसको single strand में convert कर देगा, unwound करेगा इसको। ये अब जब ये double strand जो single strand में convert हो जाता है, ठीक है, ये जो single strands शू हो रहे हैं, ठीक है, इसके साथ जो है शॉर्ट बाइंडिंग या शॉर्ट प्रोटेक्टेड प्रोटीन्स अटैच होती है। ठीक है, वो क्या करती है कि इस सिंगल स्ट्रैंड में जब ये कन्वर्ट होता है तो इसको जो है स्टेबल बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा इसके साथ हेलिकेज एंजाइम जो इनको इनकी बॉन्डिंग को तोड़ रहा होता है उसकी हेल्प करती है ताकि वो
मोस्ट प्रिसाइजली जो है उनके दरमियान बाउंडिंग को तोड़े, और इस तरह से इसको स्टेबल बनाने में भी हेल्प आउट करती है. रेप्लिकेशन फॉग की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो रेप्लिकेशन फॉग हमने वही चीजें हैं जो पहले डिस्कस हमने किए हैं कि जी वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन बनता है और उस जगह पे बनता है जहाँ पे एटी रीजन ज्यादा हो, और फिर दोनों स्ट्रैंड्स के साथ जो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है. सो वंस अगेन द रेप्लिकेशन फॉग इज अ स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स विद इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन. इट इज क्रिएटेड बाय हेलिकेसिस एंजाइम विच ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स होल्डिंग द टू डीएनए स्ट्रैंड्स टुगेदर. The resulting structure has two branching prongs. ठीक है, दो branches उसकी बन जाती है ना, दो branching sites बन जाती है. Each one made up of a single strand of DNA. These two strands जो हैं serve as a template act करते हैं for leading and lagging strand, which will be created as DNA polymerase matches complementary nucleotides to the templates. The templates may be properly referred to as the leading strand template and lagging strand template. ठीक है, जहाँ पे वो दोनों single strand में convert हुए तो उसका एक strand जो है वो leading strand बनाए के तौर पे करेगा उसके लिए, और एक जो है lagging strand के structure के लिए show होगा. तो इस तरह से दोनों sides पे जो है replication start हो जाएगी. आरएनए प्राइमेज हमने कहा था कि जो है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर बनना बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग पॉइंट होना बहुत जरूरी है. तो वो जो प्राइमर ऐड होता है वो आरएनए प्राइमेज का फंक्शन है. दिस इज द एंजाइम दैट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज द बाइंडिंग ऑफ आरएनए प्राइमेज इन द इनिशिएशन ऑफ पॉइंट ऑफ 3 to 5 पेरेंट चेन. ठीक है, आरएनए प्राइमेज वहां पे जो अनफाउंड हुआ है जगह वहां पे अटैच होता है और वहां पे आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं. आरएनए प्राइमेज कैन अट्रैक्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच बाउंड टू द डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऑफ द 3 to 5 स्ट्रैंड ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बेसिस. आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर द प्राइमर्स फॉर द बाइंडिंग ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स. आरएनए प्राइमेज लेज डाउन द आरएनए प्राइमर सो दैट द सेम चीजें हैं वही कि आरएनए प्राइमेज का फंक्शन क्या है बेसिकली ये वो शो कर रहे हैं कि आरएनए प्राइमेज जो है प्राइमर वो आरएनए प्राइमर को ऐड करता है वहां पे फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो आके अटैच होता है और एक्टिवेट होता है और फिर न्यू जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उस प्राइमर में ऐड करते जाते हैं और ये प्राइमर एंड पे जो है वो रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, ये जो हमने पहले बात की थी कि जी उसमें जो है इसको सिंगल में कन्वर्ट करता है हेलिकेज एंजाइम इसकी जो बॉन्डिंग को तोड़ता है, उसके बाद प्राइमेज एंजाइम यहाँ पे आके अटैच होता है और वो आरएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है स्ट्रैंड के साथ. ठीक है, तो इसको आरएनए प्राइमर कहा जाता है. वंस आरएनए प्राइमर हैज बीन लेड डाउन बाय प्राइमेज द डीएनए पॉलीमरेज थ्री कैन बिल्ड द सेकेंड स्ट्रैंड continuously and in the same direction that the double helix is being opened. To complete the process, DNA polymerase 1, जब replication complete हो जाएगी तो DNA polymerase 1 वहां पे आके attach होता है और वो RNA primer जो add हुआ हुआ था as a starting point उसको remove कर देता है from the DNA. ये वही हमने जो बात की थी कि leading strand जो है उसके लिए एक ही प्राइमर चाहिए होता है और उसमें जो है डीएनए पॉलीमरेज जो है वो उसकी पॉलीमराइजेशन करता जाता है और जो लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं उसके जितने फ्रेगमेंट्स होंगे उतने ही उसके जो है प्राइमर ऐड होंगे. इन द लैगिंग स्ट्रैंड द डीएनए पॉलीमरेज 1 या एक्सोन्यूक्लियेज कहते हैं रीड्स अ फ्रेगमेंट एंड रिमूव द आरएनए प्राइमर्स. द गैप्स आर क्लोज्ड विद द एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, वो जो गैप जनरेट हुआ आरएनए प्राइमर के रिमूव होने से वो फिल कर दिया जाता है बाय द डीएनए लिगेज एंजाइम व्हिच एक्ट एज ए ग्लू. और ठीक है, ये लैगिंग स्ट्रैंड की बात हो रही है. लैगिंग स्ट्रैंड में जो है डिफरेंट जो है वो होते हैं फैक्टर्स, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो वो फ्रेगमेंट्स जो है फिर डीएनए लिगेज के थ्रू एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ प्राइमर. और फिर जो गैप उनके दरमियान बचता है प्राइमर के रिमूव करने से
क्योंकि इसके सिर्फ एक ही प्राइमर अटैच नहीं होगा, हर फ्रेगमेंट का प्राइमर होगा, तो वो जो गैप बनता है उसकी रेप्लिकेशन होके तो उन इन फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू अटैच कर दिया जाता है. Each new double helix is consisted of one old and one new chain. This is what we call semi-conservative replication. This is the pictorial representation of the DNA replication process. ठीक है? First हमने क्या कहा था कि helicase enzyme double strand को single strand में convert करते हैं. फिर क्या होगा कि उसके साथ short binding proteins attach होती हैं, उसको stable बनाती हैं. Third पे क्या होगा? Primase enzyme अटैच होता है और वो आरएनए प्राइमर जो है वो स्ट्रैंड के साथ ऐड करता है. फिर उस प्राइमर के साथ जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 अटैच होगा और एक्टिवेट होगा और फर्दर जो है उसमें फिर डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जाते हैं और फिर जो है हमारे पास फाइनल जो है वो एक बन जाती है, रेप्लिकेशन जो है हो जाती है और लैगिंग स्ट्रैंड जो है ऑपोजिट के फ्रेगमेंट्स एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं by the DNA ligase enzyme. और leading strand तो वैसे ही continuous होता है, तो वो वैसे ही automatically complete होता है. This is again the summary of DNA replication by the pictorial representation. तो आप लोग इसको एक दफा read कर लीजिएगा. हमारे पास polymerase 1, आप लोगों को पता है कि different types हैं, polymerase 1, 2 and 3. तो इनकी जो है इसमें क्या क्या डिफरेंस है, बेसिकली इनकी करेक्टरिस्टिक के बेस पे हमने इनको डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है. इनकी जो है करेक्टरिस्टिक्स और इनके फंक्शंस जो है सबके डिफरेंट है, एक दूसरे से वेरिएबल है, इसलिए इनको हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं. तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं पॉलीमराइज 1, 2 और 3 में. तो फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन रेट, कि ये किस स्पीड से न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे होते हैं. तो पॉलीमरेज 1 और 2 की लो स्पीड होती है और पॉलीमरेज 3 जो है उसकी हाई पॉलीमराइजेशन रेट होता है. प्रोसेसिविटी, ये वही चीज के किस तरह ज्यादा प्रोसेसिंग की रेट क्या है. तो 1 और 2 की प्रोसेसिंग रेट कम है एज कम्पेयर टू पॉलीमरेज 3. प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग क्या होती है, जब रेप्लिकेशन कम्प्लीट हो जाती है, न्यू स्ट्रैंड बन जाता है, तो वो फिर उसका दोबारा से रीड किया जाता है कि जी ये रेप्लिकेशन ठीक हुई है या इसमें कोई एरर तो नहीं आया. अगर कोई एरर आया तो उसको जो है रिप्लेस कर दिया जाता है विद द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड. तो इस तरह से इसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं. तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो दोनों स्ट्रैंड 3 to 5 और 5 to 3 डायरेक्शन में जो है इसको रीड कर सकता है और एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटीज को रीड करता है. 2 और 3 जो है वो 3 to 5 डायरेक्शन में सिर्फ जो है रीड कर सकते हैं. प्राइमर रिमूवल में डीएनए पॉलीमरेज 1 इन्वॉल्व होता है, 2 और 3 जो है उसका कोई रोल नहीं होता. स्ट्रैंड सिंथेसिस जो है डीएनए पॉलीमरेज 1 लैगिंग स्ट्रैंड को बनाता है, पॉलीमरेज 2 कोई भी स्ट्रैंड में रोल नहीं प्ले करता और 3 जो है बोथ स्ट्रैंड जो है उनकी पॉलीमराइजेशन कर सकता है. डीएनए रिपेयर में जो है वो 1 और 2 जो है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं और 3 का जो है वो रिपेयर मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता. उसका मेन रोल पॉलीमराइजेशन में है, न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में है, ऐड करने में है. इसके अलावा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा डिफरेंस होता है पॉलीमराइज एंजाइम का. ठीक है, तो इकोलाई को एज ए प्रोकैरियोट्स शो किया गया और मैमिलियन एज ए यूकैरियोट्स. तो अगर हम जो है वो 1 की बात करें तो हम प्रोकैरियोट्स में 1 कहते हैं और मैमिलियन में अल्फा भी कहते हैं या पॉलीमरेज 1 भी कह सकते हैं. तो इसका फंक्शन क्या होता है, गैप फिलिंग और सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड दोनों का सेम होता है. ठीक है, 2 जो है प्रोकैरियोट्स में उसकी एक ही टाइप होती है, यूकैरियोट में आगे उसकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं और हर टाइप की जो है वो डिफरेंट फंक्शन होता है. लाइक एप्सिलॉन जो है वो डीएनए प्रूफ रीडिंग और रिपेयर में इन्वॉल्व होता है, बीटा जो है वो डीएनए रिपेयर में और गामा जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. इसके अलावा पॉलीमरेज एंजाइम 3 या यूकैरियोट्स में इसको डेल्टा भी कहा जाता है. ये जो है इसका रोल क्या है, प्रोसेसिव ब्लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में हेल्प करता है. तो मतलब वही इसमें पॉलीमरेज एंजाइम दोनों में है, लेकिन मैंने क्या कहा था, दोनों में स्टेप्स भी सेम है, बस कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है. यूकैरियोट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं इसलिए उनमें हर चीज ज्यादा डिटेल और ज्यादा रिफाइंड होती है. जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा एंड पॉइंट क्या आता है, टर्मिनेशन. टर्मिनेशन कब होती है, जब जो डीएनए पॉलीमराइज
एंजाइम है वो उस डीएनए जो पेरेंटल डीएनए वहां पे चला जाता है जहां पे आके अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, तो वहां पे फिर रेप्लिकेशन जो है स्टॉप हो जाती है और वहां पे टर्मिनेशन हो जाती है. लास्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज टर्मिनेशन. दिस प्रोसेस हैपेंस व्हेन द डीएनए पॉलीमरेज रीचेस टू एन एंड ऑफ द स्ट्रैंड, द एंड ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड वेयर द लास्ट प्राइमर बाइंड इज नॉट रेप्लिकेटेड. These ends of linear DNA consist of non-coding DNA, ठीक है? मतलब ये जो ends होते हैं जहाँ पे replication stop होती है, वहाँ पे non-coding DNA sequence होता है, और उस non-coding sequence या repeated sequence को हम telomerase कहते हैं या telomeres कहते हैं, ठीक है? और final ये जो है termination के बाद हमारे पास final replication mode जो भी है वो आ जाती है. अब रेप्लिकेशन हो गई, उसके बाद हमने क्या कहा था, यूकेरियोट्स में जो है वो प्रूफ रीडिंग या रिपेयर मैकेनिज्म होता है, प्रोकेरियोट्स में जो है वो प्रूफ रीडिंग है जो है वो उसका फंक्शन नहीं है, ठीक है? ये यूकेरियोट्स में ऐड होता है. तो डीएनए रेप्लिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड बिफोर मैकेनिज्म ऑफ रिपेयर फिक्स पॉसिबल एरर्स कॉज्ड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, ठीक है? मतलब सारे न्यूक्लियोटाइड्स को रीड किया जाता है कि वो सही सीक्वेंस के साथ अटैच है या नहीं है, और अगर कोई न्यूक्लियोटाइड सही अटैच नहीं हुआ हुआ तो उसको रिमूव किया जाता है और डीएनए पॉलीमरेज भी जो है वो दोबारा से जो है वो न्यू रेप्लिकेशन और जो सही है सीक्वेंस उसको ऐड कर देता है. तो इस तरह से ये रिपेयर मैकेनिज्म है, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है कि डीएनए बनने से पहले वो खुद सेल जो है अपने लेवल पे उसकी रिपेयर मैकेनिज्म या प्रूफ रीडिंग कर लेता. तो इस तरह से हमारे पास जो इनहेरिटेड जो है अगर कोई ऐसा एरर प्रूफ रीडिंग ना होती यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारी जो है एरर्स आती जाती हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो आती. तो इसलिए अल्लाह ताला का ये अजीम निज़ाम है कि उसने सेल लेवल पे ही ये सिस्टम रख दिया कि वो अपने ही रेप्लिकेशन को रीड कर लेते हैं, प्रूफ रीड करते हैं, और कोई एरर आया हुआ हो तो उसको खुद से जो है उसको ठीक कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं. सो दिस इज द रिपेयर मैकेनिज्म इन यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ये लिंक आप यूज कर सकते हैं फॉर द वीडियो. एंड दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ लो. मैम आपसे लेक्चर के अलावा एक क्वेश्चन था. हाँ जी वो भी पूछ सकते हैं, बट लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी का है तो वो जरा पहले पूछ लें. हाँ जी बच्चों कोई भी क्वेश्चन नहीं है? नो मैम. कुछ समझ भी आया कि नहीं आया आप लोगों का? हमेशा एंड पे ये होता है नो मैम. आसान सा टॉपिक पढ़ रहे हैं. आसान से टॉपिक तो होते हैं सारे ये सारे ही, एंड में जब पेपर्स होने लगते हैं तब आप लोगों को बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं. मैम तब कंडीशन ही ऐसी होती है ना, तब वो मुश्किल वाली तो तब. तो ये कंडीशन आप लोग खुद बनाते हो बेटा. आप जैसे अभी आप लोगों ने सब कहते हो कि जी हम लोगों ने अभी स्टार्ट ही नहीं की स्टडीज, तो ये मुश्किलात तभी आती है जब आप लोग नहीं पढ़ते. पर एंड पे मैं ऐसी कोई चीज नहीं देखती जी बहुत मुश्किल टॉपिक है तो इसको कम कर दें. ये तो बहुत पढ़ लिया टॉपिक एफएससी के अंदर भी, ये सारे रटे हुए. हाँ जी तो पर फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते, बस यही है. और जो भी क्वेश्चन पूछो उसका आंसर भी नहीं आता. अगर इतने ही रटे हुए हो तो एटलीस्ट आप लोगों को जो बेसिक क्वेश्चन है उनका आंसर जरूर पता होना चाहिए. तो साथ साथ पढ़ते जाओ. मैं एंड पे ये बिल्कुल नहीं करूंगी जी इसका सिलेबस कम कर दें तो उसका सिलेबस कम कर दें. तो आपने साथ साथ जो है इसको कंप्लीट करते रहा करो, ठीक है? और सेकंड मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट मैंने अनाउंसमेंट की थी कि ईद के बाद ये जो हमने अपने लेक्चर्स कवर कर ली हैं 6 लेक्चर्स, इसकी बेस पे आपका क्विज होगा, ठीक है? ईद के बाद हम डेट डिसाइड कर लेंगे, आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर लेना. और किसी एक दिन जो है मैं बता दूंगी आप लोगों के आपका क्विज जो है वो किस दिन है. मैम आज 5 लेक्चर नहीं था जी. मैम आज 5 लेक्चर था. 6 था. 3-4 जो है वो मार्च से, ठीक है मैम. ये क्विज जी
ये क्विज हमें ईद की ईदी में मिला है, हम रिलैक्सेशन ना करें इन दिनों। बेटा पहले कौन सा आप लोग पढ़ रहे हो जो पहले रिलैक्स नहीं हो? और भी काम होते हैं घर के सारे। नो मैम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई काम नहीं होता मुझे पता है, आप सब लोग मैम जो वेले होते हैं वो तो वेले हैं, हम तो काफी सारा काम। मैम सर आप लोगों के काम भी जो होते हैं ना वो ना करो तो ज्यादा अच्छा है। मैम आजकल गंदम की कटाई हो रही है, गंदम काम की यही पढ़ाई करनी होती है और क्या करना होता। यस मैम और कोई काम नहीं होता हमें। तो ये आप लोगों का क्विज होगा ईद के बाद, और आप अब जो क्वेश्चन है आप लोगों के अलावा कोई क्वेश्चन किसने कहा था? मैम मैंने कहा था वो सेक्शन बी जो उनसे आपका वो मर्ज हो गया। अभी तक आपको यही नहीं पता चला? मैम मैं फर्स्ट लेक्चर से अनाउंस कर रही हूँ कि सेक्शन बी जो मर्ज हो चुका है फ्रॉम द अदर्स। नहीं मेरा क्लास था और ना उसके बाद में मैम कायनात के पास गई, उन्होंने मुझे आपके सेक्शन बी में कर दिया। मेरे पोर्टल पे सेक्शन बी है, सेक्शन बी तो है ही नहीं ना। और तो फिर मैं जाके दोबारा चेंज करवा लूं सेक्शन बी। पोर्टल पे आपको कौन सा सेक्शन शो हो रहा है? सेक्शन बी। मेरे सेक्शन बी ही तो मर्ज हुआ हुआ है, आपने उसमें क्यों ऐड कराया है? वो सेक्शन बी अब आपको वो चेंज कराना पड़ेगा पोर्टल से चेंज, क्योंकि वो मैन्युअली रिसोर्स पर्सन नहीं कर सकता, कोऑर्डिनेटर्स ही करेंगे। तो सेक्शन बी मर्ज हुआ हुआ है, जैसे आप सेक्शन सी में हो तो आप मैम कायनात से बात करो कि वो आपको सेक्शन सी में जो है पोर्टल पे भी ऐड कर दे। मैम आपने नहीं अभी तक अपडेट किया, मुझे भी सेक्शन बी शो हो रहा है, ना वहां पे लेक्चर्स हैं और ना ही वहां पे क्लास का लिंक आता है। ऑब्वियसली वहां पे नहीं होंगे, तो आप लोग मुझे आज ईमेल कर देना सब जिनका इशू आ रहा है जो सेक्शन सी में है और वो शो नहीं हो रहा एलएमएस पे। तो आप सब लोग मुझे ईमेल कर देना आज, मैं उसको देख लूंगी, क्योंकि ये काम जो है ईआरपी वालों ने करना था आई थिंक, सो अभी उन्होंने नहीं किया तो मैं मैन्युअली उसको खुद कर दूंगी। तो आप लोग सब मुझे ईमेल कर देना जिन जिन का इशू है। मैम मुझे सेक्शन बी सी में भी नहीं ना आना, इस टाइम मेरी क्लास होती है, मुझे डी जोन से वो वाला पोर्टल वाला जो प्रॉब्लम है ना, आपको कोऑर्डिनेटर से जो है कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, आपने जिस भी जो सेक्शन में जानना है जो जिसमें क्लैश है और वो क्लैश आपने खत्म करना है, तो आपको कोऑर्डिनेटर से आके जो है बात करनी पड़ेगी। मैम मेरा भी नेट इशू हो गया था, क्या आप मेरे अटेंडेंस मार्क्स कर देंगे? अटेंडेंस में आपकी रिकॉर्ड हो जाती है Zoom मीटिंग में, मैं वहां से डाउनलोड करती हूं। अगर आप ने जो है वो 9 AM का ज्वाइन किया हुआ 9:30 तो आपको सारी टाइम जो है वो आ जाता है, ठीक है। अगर आपका एक दफा कट ऑफ हुआ आप दोबारा से उसको कर लेते हो ज्वाइन, तो वो ये भी आ जाता है कि आपने कितनी दफा किया। मैम नेट इशू हो गया और फिर मैं दोबारा ज्वाइन मैंने किया, फौरन देख लूंगी, मैं देख लूंगी, मैं आपको सबका टाइम देखती हूँ। अगर किसी का लेस देन 10 मिनट होगा तो मैं एब्सेंट मार्क करूंगी। चलिए ठीक है, आपके क्लास का टाइम। हाँ जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो जल्दी जल्दी। मैम क्विज में कितने लेक्चर्स इंक्लूड होंगे? बेटा जो अभी तक हमने पढ़ लिया है ना 6 लेक्चर्स वो इंक्लूड है आपके क्विज में। मैम काइंडली लेक्चर्स अपलोड कर दें एलएमएस पे। बेटा सारे लेक्चर्स अपलोड हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हैं। आज का लेक्चर नहीं है, आज का लेक्चर मैं ऐड कर दूंगी आज। चलिए ठीक है, ईद मुबारक फ्रॉम माय साइड इन एडवांस, क्योंकि इसके बाद अब आई थिंक सो हमारी ईद के बाद ही क्लास होगी इंशाल्लाह। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।